नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। फटाफट न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय कौटिल्या कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। रामपुर में चार बारातियों की मौत, गहरी खाई में गिरी कलेडा से देवटी लौट रही युवक युवतियों की कार। मणिकर्ण घाटी की घोडील चारागाह पर गिरी आसमानी बिजली, 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत। स्वारघाट में देहड़ी के पास सुलगा ट्रक ट्राला, सड़क पर गुजर रहे वाहन चालकों की मदद से टला बड़ा हादसा। बिलासपुर में धू धू जला सीमेंट से लदा ट्रक, कोठीपुरा के पास हादसे में 25 लाख भस्म। सोलन में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद, शहर में हो रहे अवैध कब्जों पर नगर निगम ने दी चेतावनी। नगरोटा सूर्या में प्रतिबंध के बाद भी हो रहा मछली का शिकार, मत्स्य विभाग ने मौके पर पकड़े चार लोग। राज्यपाल बोले पहाड़ों में जोखिम बहुत है, पंडोह में केंद्र से एक्सपर्ट टीम करेगी स्लाइडिंग जोन का निरीक्षण। सुखना नाला को बरसात की आड़ में फिर प्रदूषित करने की कोशिश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू की जाँच। कुमारहट्टी के पास पट्टा मोड़ में ढहा चार मंजिला मकान, परिवार ने एक महीना पहले ही छोड़ा था घर। मूसलाधार बारिश से तालाब बन गया डाडा सीबा बाजार, किश्तियों में गुजरते दिखे लोग। सुंदरनगर में शान से निकली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, देश भर से पहुंचे भक्तजन। 10 से 15 मिनट की बारिश ने खूब नचाया सोलन, देखते ही देखते चारों तरफ बहने लगा पानी। मजदूरों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, झंडूता में रैली निकाल सरकार को दी चेतावनी। सितंबर तक सरका जंजैहली पर्यटन महोत्सव, बजट जुटाने में आ रही दिक्कत। हरिपुर में बेतरतीब पार्किंग ने लगाया जाम, लोगों ने सूखा तालाब में ट्रैफिक पुलिस की उठाई मांग। खबरें फटाफट में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।